हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पेज। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं और अभी भी आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही में आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 कंसिडर कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए क्लास 7 से। ठीक है, तो जिसमें हमने पहले दो लेक्चर्स में कुछ कंसेप्ट कंसिडर किए थे कि यहाँ पे हमने देखा था कि वूल और सिल्क ये दो टाइप के फाइबर्स है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जिसमें हमने वूल के बारे में डिटेल स्टडी किया है, यानी कि वो वूल किससे मिलता है, किस किस जानवर से हमें प्राप्त होता है, या फिर उसके बाद उसके ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग होती है, जो स्टेप्स है वो हम सब ने क्या किए थे, 6 स्टेप्स हमने वहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दूसरे टाइप का फाइबर कंसिडर करना है जिसका नाम है सिल्क, यानी कि सेकंड फाइबर है जिसके बारे में हमें कंसिडर करना है, ये जिसका नाम है सिल्क। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिल्क कहाँ से आता है। तो एक्चुअली एक सिल्क वर्म नाम का जो एक छोटा सा कीड़ा होता है उससे हमें क्या मिलता है, ये सिल्क फाइबर जो है वो ऑप्टेन होते हैं। सिल्क वर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर्स, यानी कि वो इसे बुनते हैं और उससे हमें ये सिल्क फाइबर क्या होता है, ऑप्टेन होता है। सो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर्स, यानी कि इन सिल्क फाइबर्स को ऑप्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, इन सिल्क वर्म्स को रियर किया जाता है, यानी कि उन्हें बचपन से लेकर बड़ा किया जाता है और उनसे ये सिल्क फाइबर ऑप्टेन किए जाते हैं। और ये सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं, यानी कि ये एक एग्रीकल्चर में एक साइड बिजनेस है जिसे हम सेरिकल्चर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्रोसेस क्या है, यानी कि ये जो सिल्क है वो कैसे ऑप्टेन होता है, यानी कि कहाँ से हमें ये मिलता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है, यानी कि जो एजेड यानी कि एडल्ट फीमेल जो होती है वो क्या करती है कि जो पन्ने होते हैं यानी कि पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर क्या करती है, वो अंडे बिछा देती है और उन अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लार्वा के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है लार्वी, यानी कि ज़्यादा अंडे वहाँ पे होते हैं, 100 से 200 अंडे एक सिल्क मॉथ क्या करती है, देती है एक पत्ते पे। तो उससे हमें क्या मिलता है, ये लार्वा मिलता है और उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म ही कहते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म के नाम से उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क मॉथ से क्या होता है, हमें ऑप्टेन होता है, जो अंडे देती है फीमेल सिल्क मॉथ से क्या होता है, ये ऑप्टेन होता है। उसके बाद ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं या फिर ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी साइज़ दिन ब दिन क्या होती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि वो पत्तों पे वहाँ पे पैदा होते हैं और उन्हीं पत्तों को वो क्या करते हैं, खाते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहता है और जिसके कारण वो क्या होते हैं, ग्रो होते जाते हैं, इनकी साइज़ भी बड़ी हो जाती है और वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो नेक्स्ट स्टेज में क्या होते हैं, एंटर होते हैं, यानी कि जहाँ पे वो सिल्क क्या करते हैं, सिल्क फाइबर क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो इस हिस्ट्री को जो है हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। सो इट फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, यानी कि जब ये बड़ा होकर सिल्क फाइबर्स को स्पिन करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कंसिडर करते हैं। और उसके बाद ये पहला जो सिल्क फाइबर है वो बुनता है, तो ये उसका ग्रोथ होता है। उसके बाद ये कैटरपिलर क्या करते हैं कि ये फाइबर जो है वो सीक्रेट करते रहते हैं। जो फाइबर क्या होता है, प्रोटीन से तैयार किया जाता है और ये फाइबर जैसे ही ये सीक्रेट करते हैं, ये कैटरपिलर जैसे ही ये प्रोटीन फाइबर सीक्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, यानी कि हवा को ये जब एक्सपोज हो जाता है तो उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है यानी कि वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और जिसके कारण ये सिल्क फाइबर हमें क्या होता है, ऑप्टेन होता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, यानी कि यहाँ पे जो सिल्क है
उसे सीक्रेट करने के जो फाइनल स्टेज होती है उसे बोलते हैं ककून। यानी कि यहाँ पे यह प्रोसेस पूरी हो जाती है। यानी कि कैटरपिलर क्या करता है, धीरे 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 ऐसा प्रोटीन फाइबर सीक्रेट करता रहता है जो हार्ड होता जाता है, और एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि वो जो कैटरपिलर होता है वो पूरी तरह से उस सिल्क फाइबर में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ककून के नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं ककून। सो दीज ककून्स, दैट मीन्स फ्रॉम दीज ककून्स नाउ वी कैन ऑब्टेन सिल्क यार्न। यानी कि ये सिल्क के जो रेशे होते हैं या फिर वो धागे होते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, तो ये जो ककून होता है उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद, यानी कि सिल्क मॉथ से जो हमें ककून ऑब्टेन होता है उसी से हमें क्या होता है, सिल्क यार्न, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, धागे थ्रेड जो है वो हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कि ककून्स को प्रोसेस करने के बाद ये धागे हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। अब आपको एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिल्क मॉथ जो है वो तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वुल जो है वो एक ही एनिमल से हमें नहीं मिलता है, शीप्स होते हैं, गोट्स होते हैं, कैमल्स है, अल्पाका है, तो लामा है, तो इस तरह से बहुत सारे जानवर है, और हर एक जानवर से हमें अलग अलग वुल क्या होता है, ऑप्टेन होता है। यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो उसी तरह से सिल्क मॉथ की अगर प्रजाति बदल जाती है, यानी कि उसकी जो स्पेसीज होती है वो अगर बदल जाती है, तो उससे ऑप्टेन होना होने वाला जो सिल्क यान है उसकी भी नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि कुछ सिल्क यान क्या होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, या फिर कुछ के रेशे बारीक होते हैं, या कुछ के धागे जो है वो जाड़े होते हैं, तो इस तरह से वैरायटी रहती है। तो सिल्क मॉथ का नेचर बदल जाता है, तो यहाँ पे सिल्क ऑप्टेन जो होता है उसका भी नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो भारत में ज़्यादातर कौन सा सिल्क मॉथ हमें पाया जाता है, तो मलबेरी सिल्क मॉथ नाम का जो सिल्क मॉथ है उसी को ज़्यादातर भारत में क्या किया जाता है, देखा जाता है। यानी कि वो ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पे हमें अवेलेबल रहता है, और उसकी जो स्पेसीस है, मलबेरी सिल्क मॉथ की जो स्पेसीस है वो हमारे सराउंडिंग में क्या करती है, सर्वाइव करती है, जिसके कारण उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं ये इसी स्पेसीज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज़ वेरी सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स। तो किस वजह से इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके मौत से जो भी कोई ककून मिलता है जिससे हमें क्या होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट सिल्क क्या होता है, ऑब्टेन होता है। उसके अलावा ये इलास्टिक होता है, यानी कि इसे हम अगर फैलाएंगे तो ये फैल जाता है, और अगर हम इसे जैसे चाहे उसे मोड़ सकते हैं। यानी कि अगर इसे फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे रबर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और वापस वो हमें ओरिजिनल स्टेट में मिल जाता है। तो उसी तरह से ये सिल्क क्या होता है, इलास्टिक होता है, और इसे तरह तरह के कलर्स में हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद कलर का होता है, जिसके बाद डाई करके ये डिफरेंट कलर्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं। तो जिसके कारण हमारे यहाँ ज़्यादातर कौन सी कॉमन सिल्क मॉथ पाई जाती है, मलबेरी सिल्क मॉथ को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। अब ये एडल्ट सिल्क मॉथ है, यानी कि मेल सिल्क मॉथ है, उसके बाद ये फीमेल है। आपको ध्यान में रखना है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो मेल से साइज में बड़ा होता है, तो यहाँ पे पिक्चर में आपको डिफरेंस इजीली दिख जाएगा। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है क्या होता है, ये जो फीमेल है वो क्या करने वाली है, अंडे देने वाली है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, यानी कि मलबेरी पेड़ के जो कि पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये क्या करती है, अंडे देती है, और उसी पत्तों पर ये अंडे देती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मलबेरी सिल्क मॉथ नाम से हम क्या करते हैं, उसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्स उसने क्या किए हैं, स्प्रेड किए हैं उस पत्ते पर, और उसी पत्तों पर ये जो हमारा सिल्क वर्म है वो क्या होता है, पैदा होता है, जो पैदा होने के बाद ऐसा दिखता है, और ये उसी पत्तों पर क्या होता है, जीता रहता है। यानी कि उसी पत्तों को खाकर ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इस तरह से वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसके आजू बाजू में क्या कर रहा है, ये सिल्क प्रोटीन जो है वो सीक्रेट कर रहा है, यानी कि फाइबर ये सीक्रेट करता है, जिसको हम बाद में किसके फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, ककून के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ककून कंप्लीट होने के बाद ये सिल्क वर्म मर जाता है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो ये जो ककून है उसके अंदर
वो मौत जो है वो प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो वहाँ पे जिंदा रहता है। उसके बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो वहाँ पे चालू रहती है, और वापस उसकी फाइनल ग्रोथ होने के बाद वो वापस इस तरह से बटरफ्लाई के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वापस ये प्रोसेस क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो इस तरह से सिल्क को हम क्या कर सकते हैं, इस सिल्क वर्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि ककुन से ये मिलता है। लेकिन उसे प्रोसेस कैसे किया जाता है, यानी कि ककुन से ये सिल्क के धागे कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमें क्या करनी है, यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो क्या किया जाता है कि ये मॉस को क्या किया जाता है, रियर्ड, यानी कि उन्हें बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, और उसके बाद इनसे ककुन्स ऑब्टेन किए जाते हैं, और उन ककुन से हमें क्या मिलता है, ये सिल्क थ्रेड्स क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये रेयरिंग प्रोसेस कैसी है वो हमें पहले देखनी है, और उसके बाद उस ककुन से सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि रेयरिंग सिल्क वर्म्स, ठीक है। वापस मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पहले दो लेक्चर्स हैं उसकी लिंक आपको दी गई है, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं रेयरिंग सिल्कवर्म की तरफ। तो यहाँ पे पहले क्या होता है कि वही प्रोसेस है, ये फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है कि इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी कि एक साथ ये 100 से भी ज़्यादा अंडों को क्या करती है, अंडे देती हैं। और इन अंडों को क्या किया जाता है कि केयरफुली स्टोर किया जाता है। जो भी अंडे यहाँ पे ऑप्टेन होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, केयरफुली स्टोर किया जाता है। अब कहाँ पे स्टोर किया जाता है कि ये कपड़े पे या फिर कागज़ रहता है या फिर कोई और सब्सटेंस रहता है जिसके ऊपर इन्हें क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, जहाँ पे इन्हें स्टोर किया जाता है केयरफुली, जो प्रॉपर कंडीशंस है, टेम्परेचर वगैरह उस कंडीशंस में इसे क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद इसे फार्मर्स को क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, यानी कि ये फार्मर के पास भेज दिए जाते हैं। यानी कि ये फीमेल सिल्क मॉथ को फार्मर को देंगे क्या, नहीं, तो उसके बिछाए हुए जो भी अंडे हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, फार्मर को क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये फार्मर क्या करते हैं कि ये जो अंडे हैं वो हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, यानी कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि सफाई प्रॉपरली रहती है, जो सराउंडिंग है वो क्लीन रहता है, क्लीन और बहुत बेहद ही अच्छा सराउंडिंग रहता है, और उसके साथ जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो भी मेंटेन की जाती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो रहती है वो भी वहाँ पे क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। नाउ दीज एग्स आर वॉर्म टू द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम द एग्स, यानी कि इन अंडों में से लार्वेज को बाहर निकालने के लिए उन्हें क्या किया जाता है कि सुइटेबल टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, वॉर्म किया जाता है उन फार्मर्स द्वारा, और उसके बाद हमें ये लार्वी क्या होता है, ऑप्टेन होता है। नाउ दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, यानी कि ये कब किया जाता है, ये जो प्रोसेस है तब वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है या कैरी की जाती है, जबकि मलबेरी ट्रीज को नए पत्ते क्या होते हैं, आते हैं, या फिर उसकी नई खेती जब उग जाती है तभी ये क्या की जाती है, प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। यानी कि ये पहले दो जो प्रोसेस है वो कब ऑप्टेन होते हैं, जब मलबेरी ट्रीज का खेती प्रॉपरली होगी तभी ये प्रोसेस की जाती है, क्योंकि लार्वी को क्या किया जाता है, या फिर ये जो कैटरपिलर्स है उन्हें क्या किया जाता है, इन मलबेरी ट्रीज के ऊपर ही छोड़ा जाता है। यानी कि उन अंडों को कहाँ रखते हैं ये फार्मर्स, उन मलबेरी ट्रीज के ऊपर रखते हैं। जैसे ही ये कैटरपिलर्स जन्म लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जन्म से ही पूरी दिन और रात क्या करते रहते हैं कि कंटिन्यूसली उन मलबेरी ट्रीज को क्या करते हैं, खाते रहते हैं। यानी कि उनका सिर्फ एक काम है कि उस ट्रीज के पत्ते को, यानी उस मलबेरी ट्रीज जो है उसके जो पत्ते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, दिन रात ये खाते रहते हैं, और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, खाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी उनकी जो साइज है वो बहुत ही बढ़ जाती है। यानी कि सिल्क वर्म के रूप में ये जल्दी से डेवलप होने लगते हैं, उनका साइज जो है वो जल्दी से जल्दी बड़ा होने लगता है। नाउ दीज वर्म्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बूज बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, यानी कि ये क्या किए जाते हैं, वापस वहाँ से निकाले जाते हैं, और इन्हें क्या किया जाता है कि बाम्बूज के जो ट्रेज होते हैं उसमें रखा जाता है, जहाँ पे फ्रेशली जो कि मलबेरी लीव्स होते हैं, यानी कि मलबेरी
पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उसके साथ रखा जाता है उसे खाने के लिए। अब ये प्रोसेस जो है वो कब तक चलती रहती है, लगभग 25 से 30 दिन के भीतर ये जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। यानी कि ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली 25 से 30 दिनों तक क्या करते रहते हैं, उन पत्तों को खाते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, ये जो बैम्बू का चैम्बर रहता है या फिर जो ट्रेज रहते हैं तो उसमें चले जाते हैं, और वहाँ पर उनकी जो ये प्रोसेस है ककुन्स तैयार करने की, यानी कि ककुन्स को वो क्या करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। कैसे तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, फाइबर जो है वो सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन से बना हुआ फाइबर सिक्रीट करते हैं जो बाद में हार्डन हो जाता है और उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, ककुन्स में हो जाता है। नाउ स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज ऑफ विच ककुन्स गेट्स अटैच। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि छोटी छोटी रैक्स तैयार की जाती है जिन्हें बम्बू से क्रिएट किया जाता है या फिर दूसरे किसी सब्सटेंस से क्रिएट किया जाता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इस बैम्बू को या फिर दूसरे उन ट्रेज को क्या होता है, ये ककुन्स अटैच हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड नाउ द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द ककुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। यानी कि अंदर वो बड़ा होता रहता है लेकिन वो ककुन्स को पूरी तरह से बुनता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस आती है कि उस सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। अब तो ककुन हमें मिल गया है, फार्मर्स के थ्रू ककुन मिल जाता है, अब वो ककुन कंपनियों में भेजा जाता है जहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाएगा और जिससे हमें क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा। नाउ अ पाइल ऑफ ककुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। यानी कि बहुत सारे ककुन्स क्या किए जाते हैं, सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो ककुन्स यूज होंगे, ठीक है। नाउ दीज ककुन्स आर केप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। यानी कि अब ये क्या होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। यानी कि डायरेक्टली सन के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है या फिर सीधा इन्हें बॉयल किया जाता है या फिर भाप में इसे क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। तो ये हो गई दूसरी स्टेप। नाउ द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककुन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। यानी कि अब क्या हो जाता है कि ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और जिसके कारण ये जो ककुन्स होता है उसमें से सिल्क क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है और उनसे सिल्क के थ्रेड्स क्या किए जाते हैं, बुने जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्क रीलिंग और रीलिंग द सिल्क ये कंसिडर करते हैं। नाउ रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककुन। यानी कि ये मशीन में हो जाता है, पूरी तरह से मशीनरीज होती है, हायर टेक्नोलॉजीज की मशीनरीज होती है, तो उससे क्या किया जाता है, ये अनविंड किया जाता है, यानी कि उसे वापस सिल्क के धागों में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इन टू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वन इन टू द सिल्क क्लोथ बाय द वीवर्स। यानी कि उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं वो मिलते हैं और उसके बाद उन्हें डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कलर्स की, उस हिसाब से उसे डिफरेंट कलर्स में क्या किया जाता है, डाई किया जाता है और वापस उसे दूसरे कंपनियों में भेज दिया जाता है जहाँ पे वीवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसे सिल्क क्लोथ्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज़ के सिल्क क्लोथ्स क्या किए जाते हैं, उससे तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से सिल्क को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गए दो फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जिसका हमने क्या किया है, डीप में स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, दोनों उल और सिल्क की। अगर उल की प्रोसेस आपने अभी नहीं देखी है तो प्रीवियस लेक्चर्स में से आप देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी भी हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो उसे कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।